क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए थोड़ा सा गुनगुना लिया। मैं मोहम्मद आबिद अली आपके सामने एक बार फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड 4 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड पर आने वाला है। आपको उसमें से कोई भी एक एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन एनी वन होगा, लेकिन आज हम देखेंगे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें से आपको एक्सप्लेन करना है, कोई भी 4 का 4 ही करना है यहां पर एग्जाम में, एक कर लीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। एक वीडियो इसकी हो चुकी है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा यार तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं लिंक, आप उस वीडियो को भी देख लो जिसमें मैंने 4 दिया है। इसमें भी मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अच्छे से देख लो यार, मैं जितना दे रहा हूं या इसी में से ही आएगा कोई एक, क्लियर। चलिए देखिए, मैंने तरीका भी बताया था आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, जिसने वीडियो देखी है वो जानते हैं किस तरीके। सबसे पहले आपको लाइन को पहचानना है, आपको जो लाइन दिया होगा वो लाइन पहचानना है कि किस पोयम का लाइन है, क्योंकि मैं पोएट सेक्शन अभी देख रहा हूँ, प्रोज सेक्शन जल्दी ही देखूंगा। ये पोयम सेक्शन का जैसे कि आपको लाइन पहचानना है कि किस पोयम का है और इस पोयम के लाइन को किसने लिखा है, दैट मींस उस पोयम को किसने लिखा है ना, यही पहचानना है। तो जिससे आपको पहला मार्क्स तो इसी पे डिपेंड होता है, उसके बाद बाकी बातें आपको लाइन के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लिख देना है, ये आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देख लेना। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हमारे, मैकैविटी मैकैविटी देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी, ओके, मैकैविटी मैकैविटी देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी फॉर ही इज फेंट इन फेलिंग शेप अ मॉन्स्टर डिप्रेविटी। ठीक है, यहां पर ये जो है आपके लिए फेलाइन हो जाएगा, एफ ई एल आई एन ई, ओके, और ये एफ आर आई, ठीक है, एफ आई हो जाएगा, एफ आई ई एन डी, ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए, एफ आई ई एन डी, ठीक है। फेंट, फेंट का मतलब होता है राक्षस, मैंने फ्रेंड कर दिया, इतना अच्छा बना दिया, फेंट का मतलब क्या होता है, राक्षस, फ्रेंड इन फेलाइन शेप, फेलाइन शेप का मतलब होता है बिल्ली के आकार का, फेलाइन शेप मतलब बिल्ली के आकार का, ये क्या है, फॉर इज फेंट, फेंट मतलब क्या होता है, ये आर नहीं है वहां पे, फ्रेंड नहीं है, फेंट, फेंट का मतलब होता है राक्षस, क्लियर है। चलिए ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग देखेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वी सा एम्बर्स, एम्बर्स दैट में मैंने बताया था पोयम में भी अंगारे, ठीक है, वी सा एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूल रेडनेस, ठीक है, टू द ग्रे एश, किस चीज में वो कन्वर्ट हो जा रहा था, वो जो एम्बर्स था वो अपना रेडनेस खो रहा था और वो एश में कन्वर्ट हो रहा था, दैट स्वलो ऑल हाफ टू लिम, जो सारे बॉडी को निगल गया था और कुछ लिम बचे रह गए थे, हम लोग इस लाइन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, लाइन कहां का है सर, देखते हैं ना लाइन ऐसे कहां का है, ऐसे आप लोग पहचान चुके हो, ठीक है, आप जो सोच रहे हो वही है, दैट मींस स्नैक का है ये लाइन, एंड लुक्ड एट मी क्या है, वेगली एज ड्रिंक एज ड्रिंकिंग कैटल डू, एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, आई थिंक ही वॉज द, आई थिंक शी वॉज द, ही नहीं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लेडी दैट नेवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, लाइन कौन सा है आप पहचान चुके हैं, वेरी गुड, जिसने भी पिछली वीडियो देखी है वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले लाइन पहचानना है, लाइन किस पोयम का है, उसके बाद आपको क्या करना है, उस लाइन के, उस पोयम के राइटर का नाम देना है, बाकी लाइन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मैकैविटी मैकैविटी देयर इज नो वन लाइक मैकैविटी फॉर हिज फ्रेंड, मैं यहां पे भी सही कर दे रहा हूं, ये है एफ आई एन डी, ठीक, एफ आई ई एन डी, और ये क्या है, एफ ई एल आई एन ई, यहां पर सही है, ठीक है, ये तो सही था, उसमें रॉन्ग था ना, चलिए ठीक है, इसमें चेंज नहीं करना है, एफ आई एन डी ऑलरेडी है। अब देखो बाबू मेरे,
तो सबसे पहले मैंने कहा कि लाइन पहचानना है, तो दिस लाइन फ्रेज इज टेकन फ्रॉम द पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इस लाइन से, इस पोयम से ये लाइन लिया गया है। दूसरा क्या है, विच इज रिटेन बाय द पोएट टी एस एलियट के द्वारा ये लिखा हुआ है। देखो कितना आसान है, सबसे पहले आपको लाइन पहचानना है, आपको चार में से हम बोलते हैं कि लगभग सब आएगा, हो सकता है कि आपको लाइन एक्सप्लेन ना करने है, तो आप कोशिश कीजिएगा उस पोयम के लाइन को एक्सप्लेन करें जिसके बारे में आपको जरा सा ध्यान है, उसी को आप अपने हिसाब से यार टेंशन लेकर नहीं बनाना कि जा ये क्या है कैसे बनाएंगे, आप उसके लाइन को अपने ही वर्ड में कुछ भी उसको अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अरे नहीं आता है तो उस लाइन ही को लिख देना, उससे कुछ अटैच कर देना, आपको नंबर मिलेगी मैं कहता हूं। अब देखो टी एस एलियट का लिखा हुआ है, अब लाइन में देखते हैं, ये बात तो हो गई कि पोयम और पोयम के राइटर कौन है, अब देखते हैं इस लाइन में क्या बात है। इन दिस फ्रेज द पोएट टेल्स अस, हमको बताते हैं भैया किस चीज के बारे में, अबाउट है स्ट्रेंज, एक अजनबी यूनिक, ठीक है, कैट, एक अजनबी बिल्ली के बारे में जिसको हम लोगों ने कभी पहले नहीं देखा, दैट नेवर हियर्ड बिफोर, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना, एक ऐसी बिल्ली के बारे में वो बता रहे हैं। द पोएट सेज दैट, पोएट कह रहे हैं हिज वीकनेस, वीकनेस मतलब होता है खुरापाती, बदमाशी, is of like evil spirit consumed in a cat's body, ऐसा लगता है कि उस बिल्ली के अंदर मानो राक्षस है, इस बिल्ली के अंदर मानो राक्षस है, ऐसी बिल्ली जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना, ठीक है, ऐसी थी मैकेविटी, ऐसी थी नहीं, ऐसा था मैकेविटी, यस। द पोएट स्टेट हिम एज अ क्रूएल क्रिमिनल एनिमल, ठीक है, बहुत ही चालाक क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल होता है ना, क्रिमिनल मतलब जो क्राइम करता है ना, जो गुनाह करता है, क्राइम करता है, वैसा उसमें वो बहुत चालाक था, है ना, कौन, ये मैकेविटी। तो उसी के बारे में इतना तो बताना है, आपको चार नंबर मिल जाएंगे, अगर इसमें कुछ और भी अटैच करना है तो आप अपने हिसाब से अटैच कर सकते हो, लेकिन इतना लाइन सफिशियंट है। आपने पोयम बता दिया लाइन कौन सा है, किस पोयम का है, आपने ये बता दिया कि उसके राइटर कौन है, अब बाकी तो इतना ही तो है लाइन में, बाकी मैं क्या एक्सप्लेन करूं, सीधी सी बात है, लाइन जितना बोलेगा उतना ही ना एक्सप्लेन करोगे, बच्चों के माइंड में अगर चार नंबर का है सर कितना एक्सप्लेन करें, यार चार नंबर का है तो कितना एक्सप्लेन करना है आपको, लाइन में तो बस इतना ही बता रहा, फिंड मतलब राक्षस तो हमने बता दिया ना, इज लाइक एविल स्प्रिट, राक्षस के बारे में, बोलता मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी यानी वो बदमाशी है, तो क्या है भैया, क्रूएल क्रिमिनल एनिमल है, हो गया इतना ही। अगर आपको लगता है फिर भी दो लाइन ऐड कर दे यार, क्या दिक्कत है कि नहीं, इसी तरीके से बनाना है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, हो गया, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, वीसा एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूल रेडनेस, अरे एम्बर्स का मतलब क्या होता है, अंगारो, अंगार जैसे क्या होता है ना, कोयला भी चलता रहता है, नहीं लाल लाल बना रहता है, फिर वो कोयला लाल से क्या होता है, फिर सीधे सीधे राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी के बारे में कह रहा कि वो क्या था ना, जो जल रहा था उसके बाद वो अपना क्रूल रेडनेस खो रहा था टू द ग्रे एश, और वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, एक ग्रे, राख का कलर क्या होता है, एश मतलब राख होता है, एश का मतलब क्या होता है, राख, तो राख किस कलर का होता है, ग्रे कलर का, तो ग्रे एश में वो कन्वर्ट होता है, दैट स्वालो जो निगल गया क्या ऑल, सब चीजों को, हाफ को क्लेम वो बचा रह गया था, इसी के बारे में हमको बताना। तो सबसे पहला मैंने क्या कहा, इस ऐसे क्वेश्चन को, ये जो आपका एक्सप्लेन एनीवन है उसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको लाइन पहचानना है कौन सा है, फिर उसके राइटर कौन है। दिस लाइन ए और फ्रेज इज टेकन फ्रॉम द पोयम फायरहाइम, किसका है भैया ये लाइन, तो फायरहाइम का है, ठीक है, किसने लिखा, विच इज रिटेन बाय द इंडियन पोएट के एन दारूवल्ला, किनके किनका लिखा हुआ, ये दारूवल्ला का लिखा हुआ है। In this phrase, अब आते हैं लाइन पर क्या बात है, in this phrase, the poet tells us that once he is strolling at down past river bank, जब वो एक बार भटक रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है, river bank यानी नदी के किनारे, घाट के किनारे, he saw fire burns continuously, उन्होंने देखा, क्या देखा, कि आग जो है ना continuously लगातार जल रहा है, at the burning घाट, ठीक है ना, कहां पर burning घाट, क्या होता है, मुर्दा घाट उसको बोलते हैं, बट द बॉडीज वर नॉट कंप्लीटली बर्न, लेकिन वो जो बॉडी था वो पूरा कंप्लीटली नहीं था, आग तो उतना दिख रहा कि आग जल रहा कंटिन्यूसली, लेकिन बॉडी पूरा नहीं जल रहा था, तो वही बता रहे हैं। एंड अनबर्नड लीव्स, जो जो जली नहीं है, वो उंगलियां जो बची हुई है जली नहीं है, वो क्या कर रही है, लाइंग देयर बोर विटनेस, वह गवाही दे रही टू फायर्स, टू द फायर डिबॉचरी, डिबॉचरी का मतलब होता है उसको क्या बोलते हैं, अय्याशी, ठीक है ना, बर्बादी, वो क्या है कि आग तो पूरा जलाया नहीं, आधा छोड़ दिया, वो बता रहा आग के बारे में, वो देख रहे, वो आग की अय्याशी को देख रहे हैं, उसके बारे में वो बता रहे, इतना ही है यार लाइन, लाइन में कुछ ज्यादा है ही नहीं, आपको इतना एक्सप्लेन करना 4 मार्क्स के लिए बस, मजा आ रहा तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार प्लीज लाइक करो, बड़ा मेहनत लगता है, ठीक है, इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं हम। कमेंट में बताना यार कैसा लगा, आपका कमेंट ही तो है, एक चेहरे पे एक स्माइल दे देता है, एक कमेंट आता है आपका कमेंट पढ़कर मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाता है कि मैंने जो ये मेहनत किया वो आपको अच्छा लगा मेरा ये मेहनत। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, थर्ड क्या है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। ठीक है, उन्होंने उसने अपना सर उठाया जब वो पी रहा था, क्या पी रहा था, देखे दारू वगैरह तो नहीं ना, एज कैटल डू। ठीक है, एंड लुक्ड एट मी वगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। ठीक है, जो कैटल मतलब पशु, एक कोई पशु कोई भी है, पशु पक्षी जो बोलते हैं, तो वो क्या पी रहा है उससे, जिस तरीके से वो पीता है, जैसे गाय बैल ये सब है ना, पी रहा है कुछ भी पानी वगैरह, तो वो क्या कर रहा कि अब वो जिस तरीके से पीता उसी तरीके से स्नैक भी पी रहा, तो उसी के बारे में। तो सबसे पहले हमको क्या करना, हम लोग ट्रिक जानते हैं, क्या ट्रिक है, तो ट्रिक यही है कि लाइन पहचानना है और उसका राइटर लिखना है। ठीक है, दिस लाइन इज फ्रेज इज टेकन फ्रॉम द पोएम स्नैक। ठीक है, Which is written by the poet D.H. Lawrence. उनका लिखा हुआ है, इतना काम हो गया सर, नंबर मिल गया। यस सर, नंबर मिल गया, बाकी थोड़ा सा इसके लाइन को बता देना है। In this phrase, the poet tells us, हमें बताते हैं, that the snake drinks water just like a cattle do. अरे वो बात तो यही तो बता रहे हैं, he lifted his head from his drinking as cattle do. ठीक है, and looked at me, वो तो ठीक है, ये क्या कर रहा है, as drinking cattle do, जैसे पीते हुए पशु, पीते हुए पक्षी, पक्षी बेल, पीते हुए पशु जो है वो उस तरीके से देख रहे हैं, जब वो कुछ खा पी रहे हैं और वो उस तरीके से देख रहे हैं अपने मालिक को। तो यहाँ ध्यान दो, तो वही तो बोल रहे हैं कि द स्नैक ड्रिंक्स वाटर, स्नैक जो वो पानी पी रहा है, जस्ट लाइक अ कैटल डू, जैसे पशु करता है। एंड व्हेन ही लिफ्टेड हिज हेड, और वह जब अपना सर उठाता है फ्रॉम ड्रिंकिंग, ठीक है, वो जो पी रहा था उससे, ही लुक्ड एट पोएट, उसने पोएट को देखा, pretty much, ठीक है, गौर से ध्यान से, like a drinking cattle do, जैसे के एक पशु पानी पी रहा, वो अपने मालिक को जिस तरीके से देखता उसी तरीके से वो भी देख रहा है। इतनी सी बात है यार मेरे, अगर 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 मजा आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, आपका प्यारा प्यारा कमेंट चाहिए और आपका लाइक चाहिए। चल ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इतना ही इसमें करना है। लास्ट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्या है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मेरे ख्याल से वो सबसे प्यारी सबसे ब्यूटिफुल लेडी थी, है ना, जो कभी वेस्ट कंट्री में हुआ करती थी। लाइन कहाँ का है सर, ट्रिक जानते हैं हम लोग, क्या है कि लाइन पहचानना है और राइटर, तो लाइन है आपका एनी पीटफ का और राइटर है उसके वॉल्टर डेलामियर। तो दिस लाइन और फ्रेज इज टेकन फ्रॉम द पोएम एन इपिटफ। देखो यार मैं लाइन और फ्रेज दोनों लिखता हूं, बस कुछ नहीं, ये तरीका है वर्ड को बढ़ाने का। वर्ड को क्या करना है, आपको बढ़ाना है, ज्यादा कुछ दिखेगा, एक एक वर्ड से ही तो दिखेगा ना ज्यादा, तो इसी तरीके से करना है। आप चाहे तो दिस लाइन भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस लाइन और फ्रेज ऑब्लिक लगा के दे देना है। इज टेकन फ्रॉम द पोएम एन इपिटफ विच इज रिटन बाई द पोएट वाल्टर डेलामियर। अरे आपको और भी वर्ड बढ़ाना है ना, तो विच इज रिटन बाई, जो पोएट जहां के हैं उस कंट्री का भी नाम दे दो, जो पोएट जहां के हैं उस कंट्री का भी नाम दे दो, वर्ड एक बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इन दिस फ्रेज द पोएट प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एन इपिटफ इन मेमोरी ऑफ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी। ठीक है, इस पोएम में वो जो पोएट ने खुद को एपिटफ बताया, एपिटफ रिप्रेजेंट किया है किसके बारे में, तो एक लेडी के बारे में, दैट मींस वो लेडी है, डेथ कर चुकी है, वो अपने कब्र में है और उनके ऊपर ये एपिटफ क्या होता है, कब्र के ऊपर एक पत्थर पर उसके बारे में जो लिखा होता है उसी को हम लोग एपिटफ कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि खुद को एपिटफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस लेडी के बारे में बता रहे हैं, क्या हाँ उस लेडी के बारे में बता रहे हैं। नाउ लाइंग इन हर ग्रेव, जो कहां है, अपने कब्र में लेटी हुई है, अपने कब्र में लेटी हुई है। ठीक है, कोई शौक से लेटने नहीं गया है अपने कब्र में, वो अब दुनिया में नहीं है इसलिए वो जाकर वहां सोई हुई है, सबको वहीं जाके सोना है हम सबको। द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, वो बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर वो महिला जो कभी वेस्ट कंट्री में हुआ करती थी, उनके बारे में वो बोल रहे हैं कि वो अब क्या है, वो अब कब्र में लेटी हुई है, कब्र में सोई हुई है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी इज नॉट एन इमोरल थिंग्स, ब्यूटी ये इमोरल थिंग्स नहीं है जो हमेशा आपके पास बरकरार रहेगी। ब्यूटी वैनिश्ड, ब्यूटी खत्म हो जाता है, ब्यूटी पास जावे, ठीक है ना, यानी कि देखो यार जितना भी खूबसूरत व्यक्ति हो
आप हो, हम हो, या कोई भी हो, अभी इतना फ्रेश फ्रेश अभी इस एज में हम लोग दिख रहे हैं, बुढ़ापा आएगा, ये सब क्या है, झुर्री पड़ जाएगी, तब वो सारा स्मार्टनेस खत्म हो जाएगा, है ना। जो अभी स्मार्टनेस है कि कहीं पे जाइएगा आप लोग तो हर कोई देखेगा, जो वो स्मार्टनेस अलग होता है, और उस टाइम में बूढ़े हो जाएंगे तो एकदम चश्मा लगा के हम लोग ऐसे एकदम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, है ना, तो फिर वो अलग अलग हो जाता है। तो ब्यूटी कब तक रहेगा यार, सुंदरता एक दिन खत्म हो जानी, वही ये बात कह रहे हैं। इतना ही आज के लिए, कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट में बताएं, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और लाऊंगा चार क्वेश्चन का आपको, तो ये कंप्लीट हो जाएगा पोएट सेक्शन, फिर हम लोग प्रोज सेक्शन को भी देखेंगे। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी का भी वीडियो अपलोड हो रहा, आपने कहा सर तेजी में अपलोड किए, मैं एकदम सुपर फास्ट से भी ज्यादा तेजी में हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सुबह और शाम करके अभी अपलोड करने वाला हूं, पूरी कोशिश है। अगर मुझे समय नहीं मिल पाया मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको सुबह मिल जाए, एक वीडियो शाम मिल जाए, है ना। इसी तरीके से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, बस आप भी अपने एग्जाम के लिए मेहनत करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।